हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए 498A के केस में। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन एक टेक्निक है, एक आर्ट है और एक साइंस दोनों मिला के है। तो आप जो है क्वेश्चन आप क्या पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा मौका है जिसमें आप जो है झूठ को जो है साबित कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक टेक्निक है, ये है सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिससे जो है आपको जो है सच जो है आप निकलवा सकते हैं दूसरी पार्टी से। तो अभी जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो तब तक तो आपके बिल्कुल वो चलते हैं, क्या कहते हैं, एलिगेशन ही चलते हैं। अब वो सच है झूठ है वो प्रूफ जो है एविडेंस पे होता है। एविडेंस में एक दो चीज़ें होती है, एक तो एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस और एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन और इन चीफ में तो वही एलिगेशन दोहराए जाते हैं, अगर उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो आपके बेनिफिट में आएगा, आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है और फिर मैं आपको पूरा जो है टेक्निक आपको समझ आ जाएगी, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। तो ये जो है वीडियो आपके लिए है। तो अब जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 498A में क्रॉस एग्जामिनेशन का सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि पर्पस क्या है, क्यों हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं। देखिए, क्रॉस एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो एक वर्जन है उसे दूसरे वर्जन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो वर्जन हो सकते हैं हर एक बात के। अब एक वर्जन तो जज के सामने आ गया जो वाइफ की तरफ से था कि आपने जो है दहेज मांगा, मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अब आप सिंपली ये कहेंगे कि ये तो झूठ है, तो वो जो है कन्विंसिंग नहीं होता है। आपको जो है क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, जो भी वाइफ का वर्जन है उस पर क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी जो है सच जो है बाहर आएगा, तभी वो उसकी परसुएसिव वैल्यू यानी वो जो है कन्विंसिंग वैल्यू, कन्विंस आप तभी जज साहब को कर पाएंगे जब आप एक राइट फ्रेम ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग जो है गलत फ्रेम ऑफ क्वेश्चन पूछते, कई जो लोग हैं वो बहुत वैसे क्वेश्चन पूछते जो पूछने नहीं चाहिए, जो कि डैमेज केस को ज़्यादा करते हैं देन आपको जो है बेनिफिट दें। तो आज मैं जो है क्या क्या जो क्वेश्चंस है जो डैमेज करते हैं उसके बारे में जो है ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन, नंबर वन क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछने चाहिए, क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेनेशन की डिमांड हो, क्वेश्चन जिसमें आप दूसरी पार्टी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ये नहीं है कि दूसरी पार्टी को एक बेटर वर्जन आप दें, एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपना केस और बेटर जो है जज साहब के सामने रख पाए। तो ये जो है क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के लेके समझाता हूँ कि सपोज आपने जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया कि डिमांड हुई, और डिमांड होने के बाद आपने जो है कंप्लेंट क्यों नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर द पुलिस आफ्टर द डिमांड इज मेड बाय द पार्टी। जब डिमांड हुई तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की। अब ये क्यों, अब ये हाईलाइट वर्ड है क्यों, व्हाई डिड यू कंप्लेंट। अब उसमें जो है वाइफ को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वो जो है इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली जो है एक्सप्लेन करके निकल सकती है। वो ये कह सकती है कि मैं अपना परिवार बचाना चाहती थी इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की, वो ये कह सकती है मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया था इसलिए मैं उस टाइम कंप्लेंट नहीं कर पाई, और मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। ये सब चीज़ें जो है वो बोल के निकल सकती है इजीली, बहुत इजीली निकल जाएगी। आपको इंस्टेड की क्यों आपने कंप्लेंट नहीं की उस टाइम, आपको ये पूछना चाहिए आपने कंप्लेंट नहीं की, हाँ या ना में जवाब आएगा इसमें, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। क्या आपने कंप्लेंट आपने कंप्लेंट नहीं की, ये आपने बस ये पूछना है, उसमें हाँ या ना में जवाब आएगा। तो यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन में आएंगे। कभी भी जो है ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है और आपको वही आंसर चाहिए, इसलिए जो है आप जो है एक्सप्लेनेशन सीख कर सकते हैं, बट वो बहुत रिस्की जो है डोमेन होता है कि उसमें काफ़ी रिस्क रहता है कि अगर जो आप चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन की जगह कोई और एक्सप्लेनेशन आ गई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब एक्सप्लेनेशन वो हो जो आप चाहते हैं वैसे ही आए, तब तो ठीक है, आप एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन पूछ सकते हो।
पर आप जो है वैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए, आपने कंप्लेन नहीं की उस टाइम, ऐसे करके यस या नो, सीधा यस और नो में आंसर आएगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन आएगी नहीं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पूछना है। कन्फ्रंटेशनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ये एक दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन बिगड़ जाता है। कन्फ्रंटेशनल क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप जो है उसे ये बोलेंगे कि आपने जो है सपोज वाइफ ने जो है उस टाइम कोई फेस्टिवल मनाया, उससे एक दिन पहले डिमांड थी, उसके बाद एक फेस्टिवल मनाया, आप उसे सीधा कन्फ्रंट कराओगे कि आपने अगले दिन जो है फेस्टिवल मनाया था या नहीं मनाया था, वो हाँ या ना में जवाब देगी। तो वो बोलेगी नहीं मनाया था, अगर वो बोलती है नहीं मनाया था तो एक फोटोग्राफ उसके सामने रख दो जो उसमें फेस्टिवल में वो शामिल थी, कि ये आपकी फोटोग्राफ है इस दिन इस तारीख को और इधर आपने जो है फेस्टिवल मनाया था, तो वो अगेन येस और नो में आंसर आएगा। अगेन यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और दूसरा जो है कन्फ्रंट भी कर रहे हो आप एक तरीके से, या फिर आप जो है कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है वाइफ की वो बिल्कुल मार्क करा के उसे कन्फ्रंट करो कि ये जो मार्क है आपने उस टाइम यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये बोली थी, हाँ या ना में जवाब आएगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और कन्फ्रंट अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ से तो एक ये पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर क्रॉस किस चीज़ का आप कर रहे हो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो आपको जो है ये क्वेश्चन पूछने बहुत बहुत ज़रूरी हैं, ये जो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। कन्फ्रंटेशनल क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरे टाइप के और कोई क्वेश्चन पूछते हो वो नहीं पूछने आपको। तो ये एक छोटा सा वीडियो है मैंने आपको बताया है कि कैसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए आपको, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, धन्यवाद, थैंक यू।